नू और मेवात में हुई हिंसा घटना के बाद अब राजनीति शुरू हो गई है और आम आदमी पार्टी अब सरकार को घेरने में तुली हुई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा सरकार को घेरते नजर आए, क्या कहना है इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनुराग ढांडा हैं। ढांडा साहब, जिस तरह से सारा मंजर हुआ आपने भी देखा, लेकिन आप लोग तो सरकार पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया। नहीं, हम नहीं सवाल उठा रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री जी, कल जब इतनी बड़ी घटना हरियाणा प्रदेश में हो गई जिसको लेकर पूरा देश चिंतित है, उस पर अगर मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहेंगे कि हरियाणा के हर व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया कराना उनके बस की बात नहीं है, तो फिर उनको मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है। हम सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं, उन्होंने संविधान की शपथ ली थी और उन्होंने उस शपथ में ये कहा था कि प्रदेश के लोगों की सुरक्षा करने का वादा उन्होंने किया था, और अगर वो उसको करने में नाकाम है, असमर्थ हैं, तो फिर उनको उस पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो कहते हैं कि कितने पुलिसकर्मी कहाँ पे लगाएं, तो उनको बताना चाहिए कि 75,000 स्वीकृत पोस्ट हैं पुलिसकर्मियों की, उनमें से 49,000 सिर्फ भरी हुई हैं पोस्ट आज के दिन में, 25,000 पद खाली हैं पुलिस में। वो किसकी जिम्मेदारी थी? 9 साल से सरकार चला रहे हैं खट्टर साहब, क्या उनको ये पद नहीं भरने चाहिए थे? आज इसका रोना रोने से क्या फ़ायदा, जब प्रदेश को सुरक्षा की ज़रूरत है, प्रदेश के हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता है, उस वक्त के पे सबसे जिम्मेदार व्यक्ति जो प्रदेश के होने चाहिए, वो मुख्यमंत्री ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं कि सबको मैं सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाऊंगा। लेकिन यात्रा निकालना सबका अधिकार है, जिस तरह से बीच में माहौल बना, क्या लगता क्या है आपको कि किस तरह की साजिश जो है इसमें दिखाई दे रही है? देखिए, मुझे लगता है कि ये एक बड़ी सुनियोजित राजनीतिक साजिश है, और ऐसा मैं इस बिना पर कहने को मजबूर हूँ कि आप देखिए, जिस दिन ये घटना हुई उसका कल कैमरे पे एक इंटेलिजेंस का ऑफिसर कह रहे थे कि 10 दिन पहले से इनपुट हमने दिया हुआ था, और जिस दिन ये घटना हुई इंटेलिजेंस इनपुट होने के बावजूद बाकी जिलों की फोर्स वहाँ डिप्लॉय करने के बजाय वहाँ के सैकड़ों पुलिसकर्मियों को VIP ड्यूटी पे जिले से बाहर भेज दिया जाता है। पुलिस अधीक्षक ऐसी संवेदनशील स्थिति में अगर उनकी छुट्टी मंजूर भी हो तो कैंसिल कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस अधीक्षक उस समय पर उस दिन पर छुट्टी पर होते हैं, उनकी छुट्टी किसने मंजूर की? गृहमंत्री कह रहे हैं हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट पहुंचा नहीं। मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के बीच में इंटेलिजेंस को लेके, CID को लेके जो विवाद हुआ 2020 में, वो सारे प्रदेश ने देखा था। क्या उस विवाद के चलते हरियाणा का जो सौहार्द था वो उसकी भेंट चढ़ गया? क्या CID मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट करती है सिर्फ, उन्हीं को जानकारी देती है सिर्फ, गृहमंत्री तक वो जानकारी नहीं पहुँचती, पुलिस विभाग तक वो जानकारी नहीं पहुँची, जिसकी वजह से इतना बड़ी हिंसा हरियाणा प्रदेश के अंदर हो गई? इन सारे सवालों के जवाब तो मुख्यमंत्री और गृहमंत्री देंगे ना, और नहीं दे सकते हैं तो उनको अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम तो उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और पूरा प्रदेश मांग कर रहा है। जब वो सुरक्षा नहीं दे सकते तो उनको अपने पद छोड़ देने चाहिए और किसी काबिल व्यक्ति को वहाँ मौका देना चाहिए कि वो प्रदेश के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। सरकार ने तो साफ तौर पर कह दिया कि जिस तरह से ये मामला हुआ और उनके पास इनपुट नहीं थी, पहले जिस तरह से जो सुनियोजित कार्यक्रम जो उन्होंने जुटाया हुआ था, तो ये किसकी साजिश आपको दिखाई दे रही है? देखिए, इंटेलिजेंस की उनके पास जानकारी नहीं थी, उनके पास इनपुट नहीं थी, ये कौन सी सरकार ने कहा? ये गृहमंत्री अनिल विज जी की सरकार ने कहा, या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने कहा, या उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की सरकार ने कहा? सरकारें कई चल रही हैं और इनके बीच में आपसी सामंजस्य नहीं है। दुष्यंत जी कहते हैं कि आयोजकों ने सही जानकारी नहीं दी संख्या की, तो फिर आयोजक कौन थे? हमें तो जानकारी मिली है कि गुरुग्राम से हरी झंडी दिखा के भारतीय जनता पार्टी की जो जिला अध्यक्ष उन्होंने रवाना किया था, तो फिर सही जानकारी क्यों नहीं दी? अपनी ही पार्टी की सरकार और ज़्यादा जिम्मेदार होना चाहिए था। दूसरी बात कि अगर किसी ने पहले से तैयारी कर रखी थी हिंसा की वहाँ पर, तो ये तो सरासर इंटेलिजेंस फेलियर है आपको अगर उसकी जानकारी नहीं थी। इंटेलिजेंस आपके पास इनपुट था तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है कि उसको रोकते आप, और इंटेलिजेंस इनपुट आपके पास नहीं था तो आपको अपने पद पे बने रहने का अधिकार ही नहीं है। फिर इतनी बड़ी CID इतना ये किस लिए चला रहे हैं? विपक्षी जो नेता होते हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए, उनके मूवमेंट पे नज़र रखने के लिए, उनकी खोजबीन रखने के लिए इतनी बड़ी CID रख रखी है आपने? तो पूरी तरह से इंटेलिजेंस फेलियर भी था, सिस्टम फेलियर भी था, और सुनियोजित भी था, क्योंकि उसी वक्त पर जिले के सैकड़ों पुलिसकर्मियों की बाहर ड्यूटी लगाना, पुलिस अधीक्षक को छुट्टी पे भेज देना, ये सारी चीज़ें इस तरफ इशारा करती हैं कि सरकार को पहले से इंटेलिजेंस इनपुट था, उसके बावजूद सरकार ने जानबूझ के मुंह मोड़ लिया पूरी घटना से। ये ऐसा तो नहीं कि आप पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, क्योंकि 2024 का चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है, सरकार पर ही टिकरा फोड़ा जा रहा है, आप
आम आदमी पार्टी आप भी लोग भी सरकार पर एलिगेशन लगा रहे हैं। देखिए ये तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि कहीं वो राजनीतिक रोटियां तो नहीं सेकना चाहते 2024 के चलते। पहले मणिपुर में ऐसी घटना होती है, जातीय हिंसा होती है, लोग बहुत बड़ी संख्या में लोगों की वहाँ पर डेथ हो गई है, आगजनी हुई, पूरा प्रदेश जल रहा है, प्रदेश की सरकार को भंग नहीं किया जाता, बीजेपी की सरकार है ना, प्रदेश की सरकार उसको संभालती है पूरे मामले को, केंद्र सरकार कुछ बोलती नहीं है उस पर, चुप्पी साधे बैठे हैं प्रधानमंत्री। फिर हरियाणा में एक्सपेरिमेंट होता है जहाँ पे धार्मिक हिंसा का, जहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा का कोई इतिहास नहीं है, कोई इतिहास हरियाणा में ऐसा नहीं है जहाँ पे धार्मिक कटुता हो, आपस में लड़ाई झगड़े हो, सब यात्रा में शामिल होते हैं, सब फंक्शंस में शामिल होते हैं, सभी धर्मों के लोग सारे कार्यक्रम में शामिल होते हैं। हरियाणा में धार्मिक विवाद ऐसे नहीं होते हैं, बड़े उदाहरण आपको नहीं मिलेंगे कोई, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की परिस्थिति बना दी गई जैसे धार्मिक हिंसा में पूरा प्रदेश जल रहा हो, तो ये किसकी नाकामी है? कौन राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है? भारतीय जनता पार्टी लोगों का विश्वास जनमत खो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी लोगों का भरोसा खो चुकी है, इसलिए मुझे लगता है कि घटिया षड्यंत्र और घटिया राजनीति की जा रही है। इस सारे कांड की अगर बात करें तो कि किसी सुरक्षा एजेंसी से इसकी जांच होनी चाहिए? देखिए निश्चित तौर पे जांच होनी चाहिए। आप ये देखिए ना कि कल ये DIG साहब तो कह रहे थे कि SIT बनाई जा रही है इस पे, मुख्यमंत्री जी ने कहा कोई SIT नहीं बनाई जा रही है, हो क्या रहा है, सरकार चल कैसे रही है? सबसे बड़े अधिकारी आकर के कहते हैं पुलिस के SIT इस पे बनाई जाएगी, मुख्यमंत्री कहते हैं SIT की ज़रूरत नहीं है। तो इससे साफ पता चलता है कि जो टॉप लेवल है, SIT क्यों नहीं ज़रूरत है, जो टॉप लेवल है वहीं से इंटेलिजेंस इनपुट CID मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करती है, शेयर नहीं की गई। SIT बनाने की बात पुलिस के बड़े अधिकारी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कोई ज़रूरत नहीं है, पुलिस अधीक्षक को उस दिन छुट्टी पे भेज दिया जाता है। क्या ये महज इत्तफाक है कि जो सैकड़ों पुलिसकर्मियों की ड्यूटी जिले से बाहर लगी वो भी मुख्यमंत्री की VIP ड्यूटी में लगी थी दूसरे जिले में? क्या ये सारी चीज़ें इत्तफाक हो सकती हैं, या ये एक सुनियोजित तरीके से इशारा साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि टॉप लेवल से हरियाणा में जो सबसे बड़े पदाधिकारी हैं सरकार के, वही कहीं ना कहीं इस तरीके का माहौल प्रदेश के अंदर चाहते हैं, और फिर उसके बाद कैमरे पे आके लोगों के बीच में भय पैदा करना कि सबको सुरक्षा मुहैया कराना सरकार के पास, सरकार के बस की बात नहीं है, ये सारी चीज़ें तो इसी तरफ इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से हरियाणा को हिंसा की आग में, दंगों की आग में धकेलने की साजिश हो रही है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को एक दूसरे पर विश्वास बनाना पड़ेगा, आपसी प्यार को कायम रखना पड़ेगा, वरना ये राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में हरियाणा में भी हिंसा करवाना चाहते हैं। किस सुरक्षा एजेंसी से इसकी जांच चाहेंगे आप? देखिए मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें, बड़े बड़े अफसर इसमें नज़र आ रहे हैं, अपनी भूमिका नज़र आ रही है उनकी, CID के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि CID की सूचना साझा हुई कि नहीं हुई, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के बयान एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि कोई भी हरियाणा की एजेंसी इसकी जांच कर सकती है। इसकी जांच किसी न किसी रिटायर्ड जस्टिस से, या तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से, हाई कोर्ट के जस्टिस से होनी चाहिए, और जुडिशियल इंक्वायरी इस पर बिठाई जानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। तो धन्यवाद। ये थे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से मेवात और नूह में जो कांड हुआ उसकी जो है इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी हो, और उसके जाँच के बाद ही कब पता लग पाएगा कि आखिर ये मामला क्या था। रोहतक से जनता TV के लिए संजय कुमार।